जय हिंद। आप सभी का नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से नए क्वेश्चन आंसर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। आप लोग कमेंट्स में उसका उत्तर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में उठने वाला पहला तूफान का नाम क्या है? ऑप्शन ए निसर्ग, ऑप्शन बी एना, ऑप्शन सी यास, ऑप्शन डी अम्फान। इसका आंसर होगा, कुछ देर में रुकता हूँ, आप लोग आंसर बताइए, सोच कर बताइए, इसका अंदाज़ा लगाइए अगर नहीं पता है तो। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एना। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं और यह दुनिया की दूसरी बड़ी महासागर है, पहली है प्रशांत महासागर। यहाँ उतना ही बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ सारे सभी महासागर के बारे में। अगर सभी के बारे में चाहिए तो फिर कमेंट कीजिए, फिर इसके लिए डिटेल से मैं नया वीडियो बना दूँगा उन सब के ऊपर, सभी महासागर के ऊपर में। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 23 मई, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 25 मई। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 25 मई। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ऑप्शन ए मोहम्मद खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनी, ऑप्शन डी नादिर शाह। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए, कुछ देर मैं रुकता हूँ, कुछ समय दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए इसका आंसर अब देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस जाने लगा तो तब उसने दिल्ली का कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया था, उसे सौंप कर चला गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुब मीनार का स्टार्ट किया था, बनवाना स्टार्ट किया था, परंतु कंप्लीट उसने नहीं किया था, कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम लोग लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, लाख बख्श। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। चलिए इसका कमेंट्स कीजिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्वे। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी बचे पांच क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार स्वीडन से दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जैसा कि हम सभी जानते हैं, छह क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल के वसीयत के अनुसार की गई थी और अल्फ्रेड नोबल के पुण्यतिथि 10 दिसंबर के दिन ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मेरे बताने का तरीका और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और मेरी मेहनत अच्छी पसंद आ रही है आप लोगों को, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री को BWF परिषद का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है ए हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन बी तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन सी निफ्यू रियो, ऑप्शन डी प्रेम सिंह तमांग। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। यह करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं और ये वर्तमान में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं। और बैडमिंटन BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और BWF के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा 2021-25 के लिए सदस्य चुने गए हैं। और BWF का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और BWF के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हॉयर लार्सन। अगला प्रश्न करने के पहले एक सूचना है कि लास्ट में अंत को प्रश्न जो मैं दूंगा वो आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न रहेगा, उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, वो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट से बताना होगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर बता दूंगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल लीगा टाइटल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी फुटबॉल। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फुटबॉल। ला लीगा नाम से स्पेन में एक फुटबॉल लीग होती है, इसीलिए फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न जो है ये आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा।
क्वेश्चन है, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए पी विजयन, ऑप्शन बी एम एन पलानीसामी, ऑप्शन सी विजय रूपानी, ऑप्शन डी एम ए गणपति। इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।